एमसीक्यूज की सीरीज जो है वो स्टार्ट थी, जिसमें हम अभी फर्स्ट चैप्टर मेमोरी को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट टाइम जो है मैंने एमसीक्यू नंबर 7 जो है वो अपलोड किया था। सो ड्यू टू सम इश्यूज जो है मैं इस सीरीज को कंटिन्यू नहीं कर सकी थी, तो आज इंशाल्लाह मैंने जो है फिर से सीरीज को कंटिन्यू करने का सोचा है। तो आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे, एमसीक्यू नंबर 8 से। एमसीक्यू 7 जो है मैंने लास्ट टाइम अपलोड किया था। सो हम एमसीक्यू नंबर 8 देखें। तो एमसीक्यू 8 क्या है? द मेथड ऑफ लोकाय इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। मेथड ऑफ लोकाय जो है वो किसकी एग्जाम्पल है? अब सबसे पहले आपको पता हो कि मेथड ऑफ लोकाय है क्या। मेथड ऑफ लोकाय जो है ये मेमोरी के चैप्टर से रिलेटेड ही आपके पास एक स्ट्रेटेजी है, एक टेक्निक है। मेथड ऑफ लोकाय जो है इसको मेमोरी पैलेस टेक्निक भी कहा जाता है। मेमोरी पैलेस टेक्निक या मेथड ऑफ लोकाय ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है या एक ऐसी टेक्निक है जो कि इंडिविजुअल्स को हेल्प करती है इंफॉर्मेशन को रिमेम्बर करने में फॉर लॉन्ग टाइम। मतलब आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कैसे होगी इंफॉर्मेशन, आप किस तरह से किसी भी इंफॉर्मेशन को जब आप याद कर रहे होते हो, मेमोराइज कर रहे होते हो, तो वो किस तरह से हमारी मेमोरी में बहुत ज्यादा टाइम तक रह सकती है, स्टे कर सकती है या रिमेम्बर रह सकती है। तो उसके लिए हम ये टेक्निक यूज करते हैं, इसको कहा जाता है मेथड ऑफ लोकाय या फिर मेमोरी पैलेस टेक्निक। इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस टेक्निक को अप्लाई करने के लिए आपके लिए जरूरी होता है कि हम जो है वो कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन को जो है पहले लर्न करें। मतलब कोई ऐसी जगह जो कि आपकी बहुत फेवरेट है, कोई ऐसी प्लेस जिसका क्लियर आपको रास्ता जो है बिल्कुल पता है, उसकी एक एग्जैक्ट लोकेशन आपके माइंड में उसका एक मैप बना हुआ है। जैसे अगर मैं कहूँ आपका अपना घर, आपको अपने घर की एक एक लोकेशन पता है, एक एक चीज का पता है कि कौन सी चीज जो है वो कहाँ है, आपका लिविंग रूम कहाँ है, वॉशरूम कहाँ है, बेडरूम कहाँ है, किचन कहाँ होता है, ड्राइंग रूम कहाँ होता है, तो ये क्या है, ये आपके पास एक लोकेशन आपके पास है। इसी तरह से कोई और लोकेशन भी हो सकती है, जैसे अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका घर से लेके आपका यूनिवर्सिटी तक का जो रूट है ये आपको पूरा इसका एक मैप बना हुआ होता है आपके माइंड में कि मेरे घर से लेके यूनिवर्सिटी तक का जो रास्ता है उसमें उसके बीच में क्या-क्या चीजें जो है वो आती हैं। इसी तरह से अगर कोई प्रोफेशनल बंदा है, कोई जॉब करता है, तो उसको अपने घर से वर्क प्लेस तक का रास्ता पता होगा, तो उसको भी वो लोकेशन उसके माइंड में उसका एक मैप बना हुआ है। तो हम क्या करते हैं इस टेक्निक के अंदर कि आप उस लोकेशन के साथ अपने याद जो चीज कर रहे हो उस लोकेशन के साथ उसको एसोसिएट करते जाते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप अगर हम देखें, आप सबसे पहले घर में एंटर हुए, आपके घर में एंटर होते ही सबसे पहले आता है कारपोर्च, वहां से आप स्टेयर्स चढ़ते हो, फिर आपका टेरेस आता है, टेरेस से आपका जो है फिर आप टीवी लाउंज में एंटर होते हो, टीवी लाउंज के राइट साइड पे आपका बेडरूम है, लेफ्ट पे आपका किचन है और फ्रंट पे आपका जो है वो वॉशरूम है। तो सबसे पहले आप कहाँ जाते हो, सबसे पहले आप कारपोर्च में आए। अब आप कोई चीज याद कर रहे हो, फॉर सपोज आप कोई थ्योरी पढ़ रहे हो, अगर हम इसी मेमोरी के चैप्टर से रिलेटेड मैं आपको एक थ्योरी की एग्जांपल दूं इस टेक्निक को समझाने के लिए, तो हम एग्जांपल ले लेते हैं लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी की। ठीक है, लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी में हमें पता है कि टोटल 3 स्टेजेस होती हैं। अब आपने उन 3 स्टेजेस को आपने याद करना है। तो सबसे पहले आप जब कोई थ्योरी याद करोगे या उसको पढ़ते हो, जो सबसे पहले हम उसका मेन कॉन्सेप्ट देखते हैं कि वो थ्योरी क्या कहती है। तो आपने सबसे पहले उसका मेन कॉन्सेप्ट मतलब उसकी स्टेटमेंट पढ़ी, आपने उस स्टेटमेंट को जो है अपने कारपोर्च के साथ एसोसिएट कर दिया। ठीक है, फिर आप गए स्टेयर्स पे जाते हो, आपने स्टेयर्स के साथ उस थ्योरी की जो फर्स्ट टाइप थी उसको एसोसिएट किया, फिर सेकंड टाइप को आपने स्टेयर्स के बाद आपके घर में आपका टेरेस आता है, टेरेस के साथ आपने सेकंड टाइप ऑफ लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग को एसोसिएट किया, आपने एसोसिएशंस बना ली अपनी लोकेशंस के साथ। अब जब नेक्स्ट डे जब आपका पेपर है या फिर फ्यूचर में कभी जिसके लिए आपने वो थ्योरी पढ़ी थी, फ्यूचर में जब आपको कभी उसकी जरूरत होगी उसको रिट्राइव करने की, तो आप क्या करोगे, अपने उस घर की लोकेशन को जिसके साथ आपने एसोसिएट की थी वो थ्योरी, उस घर की लोकेशन का जो मैप है वो आपके माइंड में एक्टिव होगा, और फिर सबसे पहले आप कारपोर्च को जैसे ही अपने माइंड में लेके आओगे, वो कारपोर्च से रिलेटेड जो है आपकी जो इंफॉर्मेशन थी
लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग से रिलेटेड, हमने कारपोर्ट्स के साथ किसको रिलेट किया है, किसको एसोसिएट किया है, लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी की जो डेफिनेशन है, जो उसकी मेन स्टेटमेंट है, उसको मैंने एसोसिएट कर दिया कारपोर्ट्स के साथ। ठीक है, तो जैसे ही आपने कारपोर्ट्स का सोचा तो आप के माइंड में जो है लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग की जो डेफिनेशन है वो आ जाएगी। नेक्स्ट आप स्टेयर्स पे गए, स्टेयर्स जैसे ही आपके माइंड में एक्टिव हुई तो उससे रिलेटेड आपकी लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी की फर्स्ट टाइप को आपने उसके साथ एसोसिएट किया था, तो वो फर्स्ट टाइप आपकी एक्टिव हो जाएगी कब, जब आपके माइंड में स्टेयर्स पर आप पहुंचोगे। स्टेयर्स के बाद आप टेरेस में आ गए, टेरेस में जब आप आ जाओगे अपने मेंटल स्ट्रक्चर में, तो फिर वहां पे आपने टाइप टू ऑफ लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी को एसोसिएट किया था, तो आपको वो लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी की दूसरी टाइप याद आ जाएगी। और इसी तरह फिर आप जो है जिस लोकेशन के साथ आपने जो भी इंफॉर्मेशन एसोसिएट की होगी वो आपकी मेमोराइज होती जाएगी और आप उसको इजीली रिट्रीव करते रहोगे इन द फ्यूचर। सो ये है मेथड ऑफ लोकाय, जिसको मेमोरी पैलेस टेक्निक भी कहा जाता है। अब इसके ऑप्शंस पे हम आते हैं, तो ऑप्शन ए है प्राइमेसी इफेक्ट, ऑप्शन बी है द रिसेंसी इफेक्ट, ऑप्शन सी है निमोनिक और ऑप्शन डी है ह्यूरिस्टिक। अब मैं आपको पहले ही ऑप्शंस जो है वो डिफाइन कर दूं, फिर हम इसके राइट ऑप्शन की तरफ आते हैं कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा है। सबसे पहले है प्राइमेसी इफेक्ट और रिसेंसी इफेक्ट। सो प्राइमेसी इफेक्ट और रिसेंसी इफेक्ट जो है ये दोनों मेमोरी चैप्टर से रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट्स हैं। ये दोनों जो कॉन्सेप्ट हैं ये रिलेट करते हैं आपके सीरियल पोजिशन इफेक्ट से। सीरियल पोजिशन इफेक्ट जो के मेथड ऑफ रिकॉल की एक टाइप है। सीरियल पोजीशन इफेक्ट हम जो है वो मेमोरी को मेजर करने के लिए यूज करते हैं सीरियल पोजीशन इफेक्ट को, और प्राइमेसी इफेक्ट और रिसेंसी इफेक्ट जो है ये सीरियल पोजीशन इफेक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये वाले जो दोनों ऑप्शंस हैं ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है। फिर ऑप्शन डी पे आ जाए अगर हम, ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक क्या है, ये भी हमारे पास कॉग्निटिव टेक्निक है। इसको मेंटल शॉर्टकट या फिर रूल ऑफ थंब कहा जाता है। ह्यूरिस्टिक को रूल ऑफ थंब या फिर मेंटल शॉर्टकट किसके लिए, टू मेक डिसीजन और टू सॉल्व अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन अ शॉर्ट टाइम और इफेक्टिवली। मतलब आपको इंस्टेंटली कोई डिसीजन लेना है या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो उसके लिए हम जो है वो कोई शॉर्टकट जो है वो यूज करते हैं, जिसको मेंटल शॉर्टकट और ह्यूरिस्टिक कहा जाता है। कोई भी प्रॉब्लम जब आपके सामने आती है, कभी भी कोई प्रॉब्लम आपके सामने आ गई और आपको उसको उसी टाइम जो है वो हैंडल करना होता है, तो जब हमारे सामने एकदम कोई प्रॉब्लम आ जाती है या एकदम कोई चीज आ जाती है जिसको हमें उसी टाइम जो है वो सॉल्व करना हो या उसी टाइम पे कोई डिसीजन लेना हो, तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारे माइंड में आता है हम वो कर बैठते हैं बगैर सोचे समझे। ठीक है, तो इसको कहा जाता है ह्यूरिस्टिक। हमने क्या किया, मेंटल शॉर्टकट यूज किया। शॉर्टकट क्या यूज किया मैंने, कि उस टाइम मुझे कोई चीज समझ नहीं आई, जो भी मेरे माइंड में आया मैंने उसके अकॉर्डिंग जो है उस प्रॉब्लम को रिस्पॉन्ड किया, या मैंने डिसीजन ले लिया, मैंने डिसाइड कर लिया कि ये ऐसे है। तो ये है मेंटल शॉर्टकट। अब अगर हम देखें निमोनिक को, तो निमोनिक क्या है, निमोनिक हम कहते हैं मेमोरी टेक्निक्स या वो मेमोरी स्ट्रेटेजीज जो कि एक इंडिविजुअल यूज करता है अपनी मेमोरी को बेहतर करने के लिए। मतलब किसी चीज को ज्यादा देर तक याद करने के लिए हम जो स्ट्रेटेजीज यूज कर रहे होते हैं उसको कहा जाता है निमोनिक। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आ निमोनिक टेक्निक, क्योंकि मेथड ऑफ लोकाय जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक मेमोरी टेक्निक है, एक मेमोरी स्ट्रेटेजी है जो कि हम यूज कर रहे होते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को ज्यादा टाइम तक स्टोर करने के लिए, कि वो इंफॉर्मेशन जो कि मैं अभी याद कर रही हूँ या मेरे माइंड में जा रही है वो हमेशा के लिए मेरे माइंड में रहे, मेरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाए, तो उसके लिए हम जो है वो स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं जिसको निमोनिक कहा जाता है। सो मेथड ऑफ लोकाय जो है वो निमोनिक की एग्जाम्पल है। आई होप कि आपको ये एमसीक्यू क्लियर हुआ होगा। Oh, 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 o